श्री में बास गया है, ऐसा भगवान का शुक्रिया है ऐसा, मेरा बगल का आदमी सब मर गया है। जिन परिवारों के मेंबर्स हो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व, हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं, याद करने से तो पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या सिचुएशन था? सिचुएशन बहुत खराब था, वो सुनने का भी मन नहीं करता है। ऐसा देखा स्थिति, पूरा जिधर भी नजर डालता आदमी आदमी कटा हुआ आदमी दिख रहा है। और सिचुएशन जो था इंजन में जो था लोको पायलट, वो दोनों को हमारा छोटा भाई जाके चढ़ के पूरा उतरा सीढ़ी लेके, फिर उसका दो दोस्त लेके आया उसको उतरा, पूरा सीरियस था असिस्टेंट ड्राइवर, पूरा सीरियस था। और ड्राइवर उसका पाँव तोड़ गया, तो हाथ तोड़ गया, उसको निकले के पहले भेजा। लगा तो ट्रेन का पब्लिक उसके अंदर में फुटबॉल की तरह उछल रहे थे, पता नहीं। और जिस समय घटना के उपरांत बाहर निकले, हम 24 घंटा तक खाली आदमी निकालने के चक्कर में, कुछ लोग हैं हमारे साथ में, जैसे ये भाई, ये भी आदमी को पकड़ पकड़ के घीच घीच कर निकाल रहे थे। हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए, जो हॉस्पिटल के लायक था जिसका खून खराबा ज़्यादा चल रहा था उठा करके उनको बेड पर छोड़ रहे थे। हम लोग सिर्फ आदमी डब्बे से निकाल रहे थे। कैसे गाड़ी चल रहे हो मालूम नहीं, क्यों गाड़ी का ऐसा भीड़ है, जनरल का ऐसा भीड़ है, वो मैं थोड़ा आवाज़ सुनना है, ठंग करके आवाज़ सुनना है। आवाज़ सुनने का बाद गाड़ी पलटी हुआ, वो आदमी लोग बोला है बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, बाद में 10 मिनट अंदर का है, वो ट्रेन का अंदर बहुत गर्मी होता है, और मेरा बीवी भी हाथ टूट गया, मेरा पैर भी टूट गया, वो कैसे ट्रेन के निकल गया वो भगवान सारा कोई मालूम नहीं होता। पता नहीं लगा क्या हुआ, हम लोग का बोगी सिर्फ पलट गया, उल्टा हो गया, सारे आदमी के ऊपर आदमी। हम लोग खिड़की तोड़ के खिड़की से निकले, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का कोई कपार फूटा हुआ है, बहुत मतलब 100-200 आदमी घवाहिल था। ट्रेन यहाँ है, आदमी उधर पड़ा हुआ है, कोई जंगल में पड़ा हुआ है।